अमेरिका की औरत नाल हुई 6 करोड़ की ठगी। गौरव सनी एंड हिज फादर सिस्टमैटिकली चीटिंग मी। असली दस के बेच दिते सुनियारे ने नकली हीरे। दे हैव बीन शिपिंग मी 9 कैरेट एंड गोल्ड प्लेट इंस्टेड ऑफ 14 कैरेट। दे हैव बीन शिपिंग मी एंटायरली मोइसनाइट। 300 दे हीरे बाप पुत दी जोड़ी ने बेचे 6 करोड़ दे। He has included fake certificates and other people to lie on top of his lies. 2 साल बाद औरत ने आके पुलिस में की शिकायत। I did file an FIR. Initially, Gurav and his father had threatened me. एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जिथे कि एक सुनियारे बाप पुत की जोड़ी ने एक औरत नू कुंडी लाई है। दस दिए कि 300 रुपए के हीरे 6 करोड़ रुपए के विच वेच दिते, वो भी असली दस के। हालांकि जदों औरत ये सारे ही हीरे अमेरिका लेके जाती है तो उत्थे जदों इसकी जाँच की जाती है तो यह सारे ही एक चमकदार पत्थर निकलते हैं, जिस तो बाद 2 साल बाद कहा जा रहा है कि औरत वापसी करती है तो आके पहला उसके वलों एम्बेसी दे विच शिकायत दर्ज की जाती है, जिस तो बाद थाने दे विच शिकायत मार्क होकर आती है तो उस तो बाद हुण मामला पुलिस दे वलों दर्ज किया गया। तो खबर जयपुर तो सामने आई है जिथे कि एक सुनियारे दे वलों विदेशी औरत दे नाल 6 करोड़ रुपए की ठगी मारी गई है। हालांकि इतों तक कहा जा रहा है कि जो सोना 14 कैरेट शुद्धता वाला हुंदा वह भी सिर्फ 2 कैरेट वाला दे के पूरे पैसे वसूल ले गए ने। करीब 2 साल तक इन्हों का व्यापार चलिया आपस दे विच जिस च 6 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। फिलहाल हुण विदेशी औरत दे वलों पुलिस नूं शिकायत दी गई है, जिस तो बाद हुण पुलिस दे वलों मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। हालांकि बाप पुत की जोड़ी ने अपने गुनाहों नूं छुपाउण दे लई जदों औरत उन्हां दे कोल सारी शिकायत लैके जाती है तो उल्टा एक CCTV पुलिस नूं दित्ती जाती है, जिस दे विच बाप पुत सुनियारे दे वलों कहा जाता है कि औरत दे वलों जबरदस्ती उन्हां दी दुकान चों गहने लेके जाण दी कोशिश की गई। पर जो पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो सारी गल उस दे विच साफ हो गई, जिस दे विच कहा जा रहा है कि औरत दे नाल 6 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। सोना भी शुद्ध मात्रा वाला नहीं दिता गया ते हीरे भी उसनू नकली दे दिते गए ने। हालांकि हुण पुलिस दे वलों जांच शुरू कर दी गई है। बाप पुत की जोड़ी ने हीरिया नू असली साबित करन दे लई एक फेक सर्टिफिकेट भी बनवाया सी ते पुलिस ने फेक सर्टिफिकेट बनाउण वाले नू भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल बाप पुत की जोड़ी मौके तो फरार दसी जा रही है, जिन्हां दे खिलाफ लुकआउट नोटिस भी पुलिस ने जारी कर दिता है। मेरे पास US एक लेडी है जिन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी कि वो पिछले 2 साल से जोरी बाजार के अंदर 2 व्यवसायी हैं जिनके अंदर वो व्यापार कर रही थी जिनके साथ, और जब उसने सारा 2 साल हो गए उसके बाद में एक उसने एग्जीबिशन लगाई और एग्जीबिशन US के अंदर एग्जीबिशन लगी और उसमें अपने कुछ आइटम जब उसने चेक करवाए तो उनके अंदर काफ़ी गड़बड़ी मिली, और उसकी गड़बड़ियों को दूर करवाने के लिए जब यहाँ पे जोहरी बाजार में जहाँ व्यवसाय का कारोबार था वहाँ पे आई तो वहाँ जब उससे उसके साथ बातचीत की उसमें जो कमियाँ थी उनसे दूर करवाने की कोशिश की तो वो उल्टे उनको ही परेशान करने लगे, और जो जैसे उनके जो डायमंड होने चाहिए थे उनके अंदर मोसेनाइट पत्थर था वो निकला, जो गोल्ड की मात्रा 14 कैरेट होनी चाहिए थी उसकी जगह वो 9 कैरेट निकला, तो इस बात का उनके काफ़ी जिद बहस हुई और उस जिद बहस होने के बाद वो ये कह के कि मैं थाने में रिपोर्ट करूंगी जाने लगी, तो वो उन लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की। उस चीज़ का उन्होंने वीडियो उनके कैमरे लगे हुए थे उसको आधार बनाते हुए थाने के अंदर ये लेके गए कि साहब ये हमारे साथ हमारे गहने लेके भाग रही थी, तो जब ये बात वहाँ पे थाने में पहुँची और थाने पे गए और चेक किया गया तो ऐसा नहीं था। फिर उस लेडी ने भी US एम्बेसी थी उसमें कंप्लेंट की, और कंप्लेंट के बाद में चूँकि वहाँ माणचौक थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था और हमारे CP साहब और DCP साहब के आदेशानुसार इसका अनुसंधान मुझे दिया गया था। शुरू में दोनों आपस में उनकी बातचीत हो रही थी कि वो उनके जो पैसे लौटाने को तैयार थे, और लगभग 6 करोड़ रुपए का पिछले 2 साल में उसके साथ व्यवसाय किया था, लेकिन अंत में वो बाप बेटे उनको पैसे नहीं दे के और फरार हो गए। और उसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली एक तो थी जो उनको हॉलमार्क के सर्टिफिकेट बना के देते थे उनको जब हमने जांच करवाया तो वो फर्जी निकले, ये
उस आदमी से सर्टिफिकेट तैयार किए गए जिसके पास जो सर्टिफिकेट देता था उसको न तो सोने को नापने का कोई यंत्र था और न ही डायमंड को चेक करने का यंत्र था। इसके अलावा उसके जो जो उसने वो सर्टिफिकेट ले रखा था उसको बनाने का, वो भी फर्जी था, उसके पास कोई यंत्र नहीं थे। तो उस आधार पे फिर हमने वो जो व्यवसाय जो सर्टिफिकेट बनाता था नंद किशोर, उसको हमने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो दोनों व्यवसायी हैं वो फरार है, तो हमने जो गौरव सोनी है जो इनका प्रोपराइटर, उसका हमने लुकआउट नोटिस जारी करवाया है। दूसरा राजेंद्र सोनी जो उसके पिताजी हैं, उसके साथ सहयोग करते हैं बिजनेस में, उनका भी हम लुकआउट नोटिस जारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमें जानकारी मिली है कि इसने जो इस तरह का पैसा कमाया गया है उससे एक इन्होंने 3.5 करोड़ का एक फ्लैट भी अग्रवाल जो सर्किल है, अग्रसेन सर्किल है, उसके पास में अक्षत दुर्लभ के नाम से एक बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर भी उन्होंने बुक करवाया है। उसकी हमने जानकारी ले ली है, उसको भी हमने जो उसका प्रोपराइटर है उसको लिख के दिया है कि हमारे से पूछे बगैर इसको आगे से कोई कार्रवाई हो तो जानकारी भी दूंगी। उनकी जो वाइफ जिनके नाम से फ्लैट लिया है वो भी जब से ये घटना हुई है उसके बाद में जब उसको चेक किया तो वो भी अपने घर से ताला लगा के फरार है। हम आगे इन दोनों मुजरिमों को ढूंढने के लिए हमने टीमें लगा रखी है, जल्दी उनको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करेंगे।